नमस्कार, आज का ब्लॉग है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हिंदी बहुत कम समझ आती है तो इनके लिए हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करना पड़ सकता है समझाने के लिए, तो कोई माफ़ी हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, कोई गलती हो जाए तो पर ओके। तो क्यों मनाते हैं बच्चों हम बसंत पंचमी? पतंग उड़ाने के लिए, मजे करने के लिए, पूजा करने के लिए। पूजा की थी सुबह? नहीं, वो मगर तुमने की तो है नहीं पूजा सुबह। नहीं, मम्मी ने करी थी। चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि हम बसंत पंचमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे विष्णु जी जो हैं वो इस संसार के, हमारी पृथ्वी के, पूरे विश्व के पालनहार हैं, यानी कि पालन करने वाले हैं। और इसको बनाने वाले कौन से भगवान हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप जाइए और संसार की रचना कीजिए, सृष्टि कीजिए, तो ब्रह्मा जी धरती पर आए। यहाँ पर सूखा बंजर जमीन देख करके उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्या रचना करूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बंजर है, सुनसान है, सूखा है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद कुछ विचार करके उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और जल का छिड़काव उस ज़मीन पे किया। वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगे, फूल पत्तियाँ बहुत सारी लहलहाने लगी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब शुरुआत करनी है तो अकेले कैसे की जाए, मतलब अब तुम्हारे घर में भी अगर पापा अकेले कुछ काम करेंगे तो मम्मी की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है ना, तुम्हें भी पड़ती है, सबको पड़ती है, राइट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शक्ति जो है उनका पहले यहाँ पर एक रचना की जाए, उसके बाद फिर संसार की रचना की जाए, क्योंकि दोनों मिलकर के ही संसार की रचना अच्छे से कर पाए। तो उन्होंने अपने कमंडल से एक देवी का प्राकट्य हुआ उनके, उनके सोचने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कुछ मंत्र उच्चारण किया और देवी का प्राकट्य हुआ, वो प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा थी, एक हाथ में उनके पुस्तक थी विद्या जिसको हम कहते हैं, और एक हाथ में कुछ कमल पुष्प था। तो कौन सी देवी का प्राकट्य हुआ उस दिन? सरस्वती माता। सरस्वती माता, बिल्कुल। तो वो दिन आज का दिन था, यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि बसंत पंचमी के नाम से हम मनाते हैं, ये सरस्वती जी के प्रकट होने का दिन, इसीलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, समझे? तो अब उनकी पूजा करने के लिए कौन सा मंत्र बोलते हैं हम? वो विष्णु जी का मंत्र। सरस्वती जी की सरस्वती वंदना है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब सब लोग साथ में फटाफट से उनका मंत्र उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है? तो बोलो हाथ जोड़ के, या कुंदेंदु, या कुंदेंदु, तुषार हार धवला, तुषार तार हर, तुषार हार धवला, तुषार हार धवला, या शुभ्र, या शुभ्र, वस्त्रावृता, वस्त्रावृता, या वीणा, या वीणा, वरदंड मंडित करा, वरदंड मंडित करा, या श्वेत, या श्वेत, पद्मासना, पद्मासना, या ब्रह्माच्युत, या ब्रह्माच्युत, शंकरा, शंकरा, प्रभति भी, प्रभति भी, देव्यै सदा, देव्यै सदा, वंदिता, वंदिता, सा मा पातु, सा मा पातु, सरस्वती, सरस्वती, भगवती, भगवती, निशेष, निशेष, जाड्या पहा, जाड्या पहा। सरस्वती माता की जय। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।